अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं हरे चने और पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहती है, बच्चों से बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हरे चने का सीज़न भी चल रहा है तो ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। एकदम इजी वे में बहुत ही टेस्टी हरे चने और पनीर की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। हरे चने और पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसे मैंने गैस पर रख दी है, गैस ऑन कर दी है। तो ये कढ़ाई को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे और यहाँ पर हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। तो प्याज हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फुल फ्लेम पर हम ये प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। 1 मिनट हो चुका है और ये हमारी प्याज हल्की गुलाबी या फिर ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 6 से 7 कली लहसुन के लिए है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। तो अदरक लहसुन डाल के फिर से हम इसे भून लेते हैं करीब एक मिनट तक। हमने मसाले को और सोटे कर लिया है तो अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को थोड़ा सा तोड़ के इसमें ऐड किया है और अब हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। तो फुल फ्लेम पर हमें टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेते हैं। ये टमाटर जल्दी से कुक हो जाए इसलिए हम इसे कवर करके कुक करेंगे। टोटल हमने 2 मिनट ये मसाले को कुक कर लिया है। 1 मिनट बाद मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर दिया था और आप देख सकती हैं ये टमाटर बहुत अच्छे से मैशी हो चुके हैं। हमें इसे इतना ही कुक करना था तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ये जो हमारा टमाटर और ये बाकी मसाला है इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। मसाले को हमने ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है और अब हम सेम कढ़ाई को फिर से गैस पर रखेंगे। गैस ऑन कर दी है तो ये कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे फिर हम इसमें खड़े गर्म मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 बादाम फूल लिया है, आधा छोटे चम्मच जीरा लिया है, 4 से 5 मैंने यहाँ पर लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, मैंने यहाँ पर 20 से 25 काली मिर्च ली है और 1 पिंच करीब जायफल को ग्रेट करके यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये सभी खड़े गर्म मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। गैस का फ्लेम हम फुल पर रखेंगे और मसाले को करीब 10 से 15 सेकंड के लिए हम सॉटे करेंगे और ये हमारी टेस्टी ग्रेवी का एकदम नेचुरली रेस्टोरेंट जैसा कलर लाने के लिए हम ये ऑयल के अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। हल्दी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ऑयल में। ऑयल में हम जल्दी से रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसी के साथ ही हम ये मसाला ऐड कर देंगे ताकि रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी जले नहीं और इसका कलर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आए। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है और ये जो मसाला एक्स्ट्रा लगा हुआ है जार में इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसमें डाल देते हैं ताकि ये जो हमारा मसाला है ये वेस्ट नहीं हो। और अब हम गैस का फ्लेम फुल कर देंगे और फुल फ्लेम पर ये जो हमारा मसाला है इसका पूरा पानी इवोपरेट होने तक और इसका पूरा ऑयल सर्फेस पर आने तक हम इसे कुक करेंगे। ये मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और आप देख सकती हैं इसका पूरा ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तो अब हम इसमें ये हरे चने ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम हरे चने लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पर ऐड किया है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा छोटे चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हमें सिर्फ चने के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करना है, पनीर के अकॉर्डिंग हम इसमें बाद में नमक ऐड करेंगे। ये चने कुक होने में टाइम लेते हैं तो ये चने को हम करीब 90% बिना पनीर के ही कुक कर लेते हैं। हमने ये चने में 250 ml के करीब पानी ऐड कर दिया है और कवर करके ये चने को 90% हम कुक कर लेते हैं। करीब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये चने हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। एक चने को हम दबा कर देखेंगे। देखिए बहुत ही ईजिली ये चना दब रहा है।
अच्छे से ये 90% कुक हो चुका है और 10% हम इसे पनीर के साथ कुक करेंगे। तो अब हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो ये पनीर हम यहाँ पर डायरेक्टली इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फ्राई करके भी ऐड कर सकती हैं, पर ये बिना फ्राई करे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमें पनीर को बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें पनीर के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देते हैं। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के तेज पत्ते हटा दिए हैं। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं और कवर करके करीब 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। करीब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकती हैं कितनी बढ़िया ये दिख रही है और इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो अब हम ये गर्मा गर्म सब्ज़ी को एक सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी और एकदम डिलीशियस हरे छोले और पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है। हम इसे थोड़ा सा हरे धनिया के पत्ते से गार्निश कर देते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रहता है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये डिलीशियस रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. No, I know that you like it like that. Like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. No, I know.